ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 13 दिसंबर 2018 गुरुवार का दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है और चंद्रमा कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। और ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह तुला वृश्चिक और धनु ये 6 राशियां लकी रहने वाली है। इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अच्छा व्यतीत होने वाला है। इनको धन लाभ होगा, पद का लाभ होगा या कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति और प्रगति के योग इनके लिए बनने वाले हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई बड़ा काम अकेले ही करना है और इस पर आपको गर्व भी होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। परेशानियों से छुटकारा आपको मिलने वाला है। किसी नई तकनीक के कारण आपका कामकाज बहुत सहज और सुगम हो सकता है। कोई नया उपकरण भी आप खरीद सकते हैं। किसी नए विचार पर आप काम कर सकते हैं। नया विचार, नई तकनीक आपके लिए बहुत कारगर और लाभदायक साबित होगी। स्थितियों को बदलने की इच्छा भी आपकी तेज रहेगी। इससे ज्यादा लोग आपका साथ देंगे। बिजनेस में परिवार की सहायता से आपको सफलता प्राप्त होगी। नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। प्रेम के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा। संबंध आपके पहले से अच्छे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में या बहुत सारे ठहरे हुए पानी में लाल रंग का एक फूल डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके मन में कुछ बड़े विचार आते रहेंगे। भरोसेमंद लोगों से सही समय पर सही सलाह और मदद आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात का योग है जो आपसे वैचारिक सहमति रखते हैं। आप अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल रहेंगे। अध्ययन में आपकी रुचि रहेगी। बिजनेस या नौकरी के काम से यात्रा हो सकती है। संयम रखेंगे और खुद के लिए कुछ अच्छा काम भी करेंगे। सोचे हुए काम पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे। अतिरिक्त आमदनी या बिजनेस बनाने के कई आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले हैं। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप थोड़ी सी मिश्री चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। करियर में बदलाव के लिहाज से दिन अच्छा है। पुरानी देनदारी निपट जाएगी। साफ और नपी तुली बात करने से आप परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद भी आज आपको मिलने वाली है। धन लाभ का योग बन रहा है। किए गए कामों में आपको फायदा होगा। संबंधों में सुधार का योग बन रहा है। सबका सम्मान करें। आपके लिए कुछ फैसले सटीक रहेंगे। नए बिजनेस के लिए आप कोशिश जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रमोशन में भी आपको सफलता मिलने वाली है। विवाह योग्य लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पक्षी को दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अविवाहित लोगों को प्रेम के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शादीशुदा लोगों को पार्टनर से मदद प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। गलत विचारों से अपने मन में ही जो है आप द्वंद करेंगे, अर्थात उनसे जो है आप लड़ाई लड़ेंगे। समय के पाबंद आप रहेंगे। आपको फायदा होगा। नतीजों का इंतजार करें। इंतजार का फल मीठा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। भ्रमण और मनोरंजन में आपका समय व्यतीत हो सकता है। अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में नया काम मिलने का योग है। कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। इनकम के रास्ते खुल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नई सौगात आपको मिल सकती है। और उपाय के रूप में गाय को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। मेहनत कम करेंगे और फायदा ज्यादा होगा।
इससे आपको जो है अच्छा लाभ भी मिल सकता है। बहुत खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिसका फायदा आपको कैरियर के क्षेत्र में आपको प्राप्त होगा। साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और मजाकी है, आज आपको जो है किसी कार्य में मदद कर सकता है। आपके मन की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। कई तरह के नए नए विचार भी आपके मन में चलते रहेंगे। आप खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बड़े संयम से काम करें। जिस ढंग से आप बात करेंगे उससे दूसरे लोग आपके पक्ष में रहेंगे। संतान के साथ दोस्ती भरा व्यवहार करें। कार्यस्थल पर आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। किसी से उपहार मिलने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। मन में चल रहे कई विचारों को आपको आकार देना जरूरी है और अपने मन की बात आप जरूर कह दें। आप अपने राज की बात भी किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आज आप किसी रहस्य को जानने की कोशिश में रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। कारोबार के लिए नए लोगों से आपका संपर्क होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को हरी सब्जी या हरी घास खिलाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपकी कोई बड़ी परेशानी पैसों से सुलझ सकती है। इनकम के कई रास्ते आपके खुल सकते हैं। आज कामकाज भी ज्यादा रहेगा। जो स्थिति जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार करने का मन बना करके रखे। दूसरे लोग चाहे जितने भी भावुक हो, आप बस खुद को शांत रखने की कोशिश करें। बॉस से बातचीत में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस में फायदा होगा। साथियों से आपको मदद मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। पार्टनर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। रोजमर्रा के सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में यदि आप चावल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग अपने कामकाज से संतुष्ट हो सकते हैं। बड़े लक्ष्य पर आप ध्यान दें। वाद विवाद में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। किसी भी कठिन परिस्थिति का व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश करें। बड़े अधिकारियों से बातचीत होने का योग बन रहा है। किसी की मदद करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आज आपको संबंधों का फायदा होगा। संतान से सुख प्राप्त होगा। कारोबार में सफलता का योग बन रहा है। अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। पैसों के क्षेत्र में अच्छा खासा सुधार होने का योग है। कुछ अवसरों का फायदा आपको मिलने वाला है। धन लाभ होगा। अचानक कहीं से आपको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। निवेश के सुझावों पर फैसला अपने अनुसार ही करें। आज सामने वाले की जो है समस्याओं का शांति और दिमाग से समाधान निकालने का प्रयास करें। आसपास के लोगों या साथ काम करने वाले लोगों की तारीफ करें। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सुख मिलेगा। कहीं से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। कार्यस्थल पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति थोड़ी सी बन सकती है। सावधानी पूर्वक अपने काम करें। और मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। उपाय के रूप में यदि विष्णु जी के मंदिर में आप पीले रंग की मिठाई चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। मन भी आपका मजबूत रहेगा। खास तौर पर घर जमीन जायदाद से संबंधित कुछ बहुत अच्छे और नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। ऑफिस के कुछ अधूरे मामले आपको निपटाने होंगे। आपके मन की शंका भी दूर हो सकती है। जो बदलाव हो रहे हैं वह आपकी उन्नति के लिए जरूरी है। परिवार और समाज के लोग आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। परिवार के मामलों में विनम्र रहे। भाषण और बातचीत कला में आपको बहुत हद तक सफलता प्राप्त होगी। आपकी बातों का गहरा असर भी लोगों पर होगा। और उपाय के रूप में यदि शंकर जी के मंदिर में आप काले रंग के तिल और कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आप थोड़ी फुर्ती और चिंता दिखाएं तो मेहनत में भी सफलता प्राप्त होगी। सोचे हुए सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। चिंताएं मन से निकाल दे। आज आप आने वाले दिनों की योजना भी बना सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य उम्मीदों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ बात करने का अवसर भी प्राप्त होगा। किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर भी कर सकते हैं।
कुछ बड़े फैसले भी आज आप ले सकते हैं। आपको कुछ नई बातें भी पता चलेगी। माता पिता से सुख प्राप्त होगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, नए कारोबार की रूपरेखा बन सकती है, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े का दान करते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दोस्त और साथ काम करने वाले लोग आपकी मदद करेंगे। कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। आपके नियमित कामकाज में भी दोस्त आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति से निपटने की कोशिश में आप सफल रहेंगे। धैर्य और कोशिश के बीच संतुलन रखेंगे तो ज्यादातर समस्या स्वतः ही सुलझ जाएगी। धन लाभ का योग बन रहा है और रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। किसी एक व्यक्ति के साथ आपके संबंधों के बीच कोई मामला सुलझने का योग भी बन रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। नौकरी में अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।